रोडवेज कर्मचारियों का सचिवालय कूच का ऐलान। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी। आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं कर्मचारी और इसी समस्या को लेकर अब ये कूच का ऐलान यहां पर किया गया है। तो आर्थिक समस्या से दो चार इनको होना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रोडवेज कर्मचारियों का सचिवालय कूच का ऐलान। तो यहां सचिवालय को घेराव करने का ऐलान रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से। आर्थिक समस्या से परेशान है और इसी के चलते सचिवालय कूच का ऐलान उनकी तरफ से किया गया। रोडवेज कर्मचारियों का सचिवालय कूच का ऐलान। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। इसकी शिकायत भी यहां पर की गई थी, लेकिन अब सरकार को चेताने की कोशिश यहां पर इन रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से इस ऐलान के साथ। तो सचिवालय कूच का ऐलान रोडवेज कर्मचारियों ने किया है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्मचारियों में वेतन नहीं मिलने से नाराजगी बनी हुई है और इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए अब सचिवालय का कूच इन कर्मचारियों की तरफ से किया जाएगा। तो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं कर्मचारी, उनका साफ तौर पर ये आरोप है कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो और उनका परिवार आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। और ऐसे में अब सरकार और प्रशासन को चेताने की कोशिश